व्हाट्सअप गाइस, मैं हृदय और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल स्टैन फिंसर। और इस वीडियो में कंपेयर करने वाला हूँ उस्तरा मैन हेयर क्रीम को पैराशूट मैन आफ्टर शावर हेयर क्रीम से। कौन सा प्रोडक्ट कहाँ लैग करता है और कौन सा प्रोडक्ट कहाँ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है और कौन सा प्रोडक्ट आपको चूज़ करना चाहिए, ये सब मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो एंड लेट्स गो। सो शुरू करते हैं पैकेजिंग से। और पैकेजिंग दोनों ही की सेम है क्योंकि दोनों ही सर्कुलर बॉक्स में आते हैं। सो पैकेजिंग को लेकर कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जहाँ पर देखा जाए उस तरह की जो पैकेजिंग है वो ज़्यादा प्रीमियम है और ज़्यादा स्टर्डी लगती है एज़ कम्पेयर टू पैराशूट। लेकिन पैकेजिंग से कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बस डिज़ाइन का ही फ़र्क है दोनों में। सो दोनों ही क्रीम्स का जो टेक्सचर है वो एकदम सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस है फ्रेग्रेंस का, दोनों की फ्रेग्रेंस डिफरेंट डिफरेंट है। फ्रेग्रेंस जो है वो प्लीजेंट है, दोनों की फ्रेग्रेंस अच्छी है और उनमें कोई भी फाउल स्मेल नहीं है। सो बहुत फाइन। अगर दोनों की प्राइसिंग की बात करें तो पैराशूट मैन हेयर क्रीम जो है वो 85 रुपीज़ का मिलता है, वो भी 100 ग्राम्स होता है। और उसी जगह अगर बात करें उस्तरा मैन हेयर क्रीम की तो वो भी 100 ग्राम्स मिलता है, लेकिन उसकी जो प्राइसिंग है वो 199 रुपीज़ है। सो यहाँ पे जो प्राइसिंग डिफरेंस आता है वो ऑलमोस्ट 115 रुपीज़ का है। सो इट्स अ बिग प्राइसिंग डिफरेंस। कंटेंट्स की बात करें तो उस्तरा मैन हेयर क्रीम के पास बहुत बड़ा प्रॉज है क्योंकि उसमें पैराबेन और सल्फेट नहीं है जो कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स हैं। अगर आप डेली पर्पज़ के लिए एक क्रीम लेना चाहते हो, डेली यूज़ करना चाहते हो, सो उस्तरा मैन हेयर क्रीम डेली यूज़ के लिए है। उसके बॉक्स पे भी ऑलरेडी मैंशन है ये। लेकिन अगर बात करें पैराशूट मैन हेयर क्रीम की, वो ही बहुत अच्छा है लेकिन उसमें पैराबेन प्रेजेंट है। सो आप डेली यूज़ करते हो तो मे भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर आप डेली डेली यूज़ नहीं करते हो सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो अगर दोनों प्रोडक्ट्स की होल्ड की बात करें तो दोनों ही प्रोडक्ट का जो होल्ड है वो ठीक है। होल्ड का मतलब है कि आपके बालों की जो हेयर स्टाइल है उसको एक जगह पर मैनेज करे रखना। सो दोनों ही प्रोडक्ट्स का जो होल्ड है वो दोनों ही का अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस आ जाता है कि जो उस्तरा मैन हेयर क्रीम का जो होल्ड है वो थोड़ा सा स्लाइटली अपर हैंड है। लेकिन मैंने एक चीज़ भी देखी है कि उस्तरा मैन हेयर क्रीम को लगाने के बाद आपके बाल थोड़े से ज़्यादा डैम्प हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा रफ टाइप हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हॉट समर्स में उस्तरा मैन हेयर क्रीम ज़्यादा अच्छा काम करेगा। लेकिन उसी जगह अगर आप देखो पैराशूट मैन हेयर क्रीम, वो काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल बना देता है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बना देता है आपके हेयर्स को और काफ़ी ज़्यादा शाइनी भी बना देता है। तो अगर बात करें दोनों प्रोडक्ट्स को अप्लाई करने की, तो आप शावर लेने के बाद दोनों ही प्रोडक्ट्स को अप्लाई कर सकते हो, और आप अपने पाम्स पर अच्छे से रब करने के बाद अच्छे से रूट्स में लगा कर अप्लाई करो, जिससे कि ज़्यादा अच्छा आपको होल्ड मिलेगा। जितना भी होल्ड है उतना आपको पूरा मिलेगा अगर आप अच्छे से और सही क्वांटिटी में अप्लाई करते हो तो। और अगर आप चाहो तो ब्लू ड्राई यूज़ कर सकते हो, चाहो तो ब्लू ड्राई नहीं भी यूज़ कर सकते हो। और बात करते हैं इसकी वॉशेबिलिटी की, इसको वॉश करेंगे तो ये कम्प्लीटली वॉश हो जाएगा कि नहीं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो हेयर क्रीम्स होती हैं वो वाटर बेस्ड होती हैं। सो आपको इसके बारे में कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ ही घंटों में आपके बालों ही से गायब हो जाती हैं, मॉइस्चर में चली जाती हैं। सो वॉशेबिलिटी कोई बात ही नहीं आती, आराम से वॉशेबल हैं आपके हेयर से। सो नाउ कमिंग ऑन टू अ फाइनल वर्डिक्ट गाइस, कि कौन सी हेयर क्रीम ज़्यादा अच्छी है। सो ऑब्वियसली उस्तरा मैन हेयर क्रीम में नहीं पड़ा है पैराबेन और सल्फेट, सो ऑब्वियसली उसके पास अपर हैंड है, साथ साथ वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होल्ड भी देती है थोड़ा सा स्लाइटली। लेकिन पैराशूट मैन हेयर क्रीम में पैराबेन पड़ा हुआ है, सो ऑब्वियसली आप उसको डेली यूज़ नहीं कर सकते हो। लेकिन इट वोंट मेक अ बिग डिफरेंस अगर आप डेली यूज़ नहीं करते हो पैराशूट मैन हेयर क्रीम, सो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है क्योंकि पैराशूट मैन हेयर क्रीम की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छी हेयर क्रीम ये भी है। दैट इज़ इट इन दिस वीडियो गाइज। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, एंड ऑल्सो हिट दैट लाइक बटन, और कॉमेंट डाउन बिलो इन द कॉमेंट सेक्शन आप कौन से प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज़।